कभी सूबे में अपनी वीआईपी छवि के लिए मशहूर कन्नौज में अब पिछली सरकार के चहेते ऑफिसर पर गाज गिरना शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत जिले के खनन अधिकारी के निलंबन के साथ हुई है। कन्नौज डीएम जगदीश प्रसाद की शिकायत के बाद खनन निदेशालय ने निलंबन की कार्रवाई की है। कन्नौज में अवैध खनन पर रोक लगाने में नाकाम खनन अधिकारी हवलदार यादव को निलंबित किया गया। हवलदार यादव सपा सरकार में अपने से अधिकारियों पर खासा दबाव रखते थे। इन पर सपा शासन में अवैध खनन करवाने के आरोप भी लगे थे। जिला अधिकारी जगदीश प्रसाद की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई है। खनन निदेशक बलकार सिंह ने कार्रवाई की है। जिला अधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि खनन के ई टेंडर के दौरान खनन अधिकारी हवलदार यादव ने लापरवाही की थी, इसलिए जनपद में खनन के टेंडर नहीं हो पाए। कि प्रायः मुख्यालय से बिना सूचना के बिना अवकाश स्वीकृत कराए चले जाते हैं, और जब अवैध खनन आदि की शिकायत होती है तो कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं होता। तो मुख्यतः इन्हीं कारणों के आधार पर, और अब ये चीज़ अपुष्ट होती है कि जब आप विभाग के अधिकारी हैं, खनन की शिकायत आएगी, समय पर नहीं उपलब्ध होंगे और कार्रवाई नहीं हो पाएगी, तो जो अवैध खनन है उसको प्रश्रय मिलेगा, राजस्व की हानि होगी। तो इनकी उपलब्धता ना होने के कारण अवैध खनन को बढ़ावा मिलता है। और कुछ अपुष्ट खबरें आती थी कि कुछ जगह इनका सहयोग भी रहता था। एक जगह तो आई कि कोई रिश्तेदार भी था, उसमें सूचना दी गई, थाने से भी दी गई, तो कार्रवाई करने गए ही नहीं। तो इन सब के आधारों पर हमने शासन को लिखा और शासन ने कि तमाम अवैध खनन की शिकायतें आती रहती हैं, दिन में भी आती हैं, रात में भी आती हैं, क्योंकि जो अवैध खनन करने वाले हैं किसी भी समय करते हैं, और हम लोग पुलिस और मजिस्ट्रेट के माध्यम से जाकर के पकड़वाते हैं, लेकिन जो वैधानिक कार्रवाई लिखा पढ़ी की कार्रवाई होती है इनको करना चाहिए। तो जब थाने से बुलाया जाता है तो लोग पकड़ते हैं तो ये उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कभी बीमारी का बहाना बना लेते हैं कि मैं अस्वस्थ हूँ, कभी नहीं जाते हैं। तो एक जगह गए, उन्होंने एक तो इतने विलम्ब से गए और दिन भर, और लोगों को भेजना पड़ा, साथ में एसडीएम को भेजना पड़ा, राजस्व टीम को भेजना पड़ा, और जो कार्रवाई करनी चाहिए थी इनके द्वारा थाने में FIR लिखाई गई, लेकिन उससे उल्टा अवैध खनन करने वालों को प्रोत्साहन मिला। जिस ढंग का इन्होंने FIR लिखाया उसमें लापरवाही बढ़ती। We'll be right back.